आइडिया कहाँ से आया कि अब जो है आप शादी तो कर लिए, अब कर देते हैं प्रेमी चाय वाला, ये आइडिया कैसे दोनों के अंदर आ गया? आप ये आइडिया तो 2024 को 1 तारीख को आया था, यही बोला कि नहीं जब हम दोनों लोग मैंने शादी किया ना तो एक पोस्टर बनाते हैं प्रेमी चाय वाला के नाम से, तो हम बोले नहीं वो पोस्टर मत बनाइए, मतलब फैमिली आदमी क्या बोलेगा क्या सोचेगा मन में, ये बोला नहीं तुमरा भी फोटो देंगे, बोले नहीं मेरा फोटो नहीं, लड़ाई झगड़ा तो हुआ होगा, बता पत्नी तो दोनों में हुआ काफी ज्यादा, फिर भी अपना मन से पोस्टर छपवा के लाया, पहले तो छोटा सा पोस्टर छपवा के लाया था, उससे थोड़ा थोड़ा मेरा दुकान आगे बढ़ने लगा, तो फिर हम भी हाँ भर दिए, बड़ा सा आप लगा दिए, हाँ फिर बड़ा सा लगा दिया, उस दिन से तो किस्मत बदल गया। कैसा लोगों का नहीं दिया, कुछ देर के बाद बोले ठीक है हम भी आपसे शादी करेंगे, हमको कुछ नहीं फूरा, हम यही बात बोले, ये बोला कि ठीक है जब तुम शादी करने के लिए तैयार हो तो हम भी तैयार है, तो बोले ठीक है हम भी कर लेंगे। जब हम दोनों का शादी करने का टाइम, इसका घर वाला क्या बोला जो ठीक है तुम दोनों का शादी करवा देंगे, मेरे भी मम्मी पापा बोले, लेकिन जब हम दोनों का शादी करने का टाइम आया, मेरा पापा डेट करने वाला था, उसका सपना था कि हम अपना बेटी का शादी देखे, तो जानवे करते लव मैरिज में ज्यादा तिलक नहीं मिलता है, इसका मम्मी पापा का कहना था नहीं 2 लाख रुपया तिलक लेंगे एक गाड़ी लेंगे, तो मेरा कहना था कि नहीं हम तिलक नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेरे पापा बीमार रहते हैं, उसको बहुत बड़ा बीमारी था, तो हम तिलक नहीं दे पाएंगे, तो इसका मम्मी पापा बोला कि तब ठीक है शादी नहीं करेंगे, बाद में ये भी मुकर गया, ये भी बाद में पहले बोला कि नहीं हम तिलक नहीं लेंगे, जब इसका मम्मी पापा बोला कि नहीं तिलक लेंगे, तो ये भी क्या बोला कि तुम्हारा मम्मी पापा 2 लाख रुपया तिलक एक गाड़ी देगा तब शादी करेंगे। तो कुछ दिन तो हम दोनों 2 दिन तक बात नहीं किए, फिर ये रात में कॉल किया हमको, बोला चलो भाग जाते, बोले नहीं हम भागेंगे नहीं, हम नहीं भागेंगे, फैमिली मेरा इज्जत का सवाल है ना, मेरा माँ बाप का मुड़ी तोड़ चल जाएगा, आपके जो लवर बोलिए उनको वो बोले, हाँ ये बोले कि हमको चलो भाग जाते कहीं, हम बोले नहीं हम नहीं भागेंगे, शादी करना है तो ठीक है ना तो कोई बात नहीं हम भागेंगे नहीं, तो बोला ठीक है मम्मी पापा को राजी करो, तो हम अपना मेरे मम्मी पापा तो पहले से राजी थे, तो फिर मेरे मम्मी आके धीमा में इसे शादी करवाया, कुछ टका तभी दिया इसको, लेकिन इसका घर वाला राजी नहीं था, तो हम लोग चले गए जानकी नगर, कुछ दिन वहाँ पे रहे तो घर वाला हमको बुलाया, तो घर आए तो घर पे जानबे करते जो लंबे शादी करके आता तो घर में इज्जत नहीं करता उसका, या तो उसको ठुकरा देता है, जैसे एक हम भी थे उसमें से हमको ठुकरा दिया गया था उस टाइम, ये भी कोई काम धाम नहीं करने वाले हैं एक गांव से, हाँ तो नहीं नहीं मेरा तो घर बोटिया दमगरा है, इसका घर बनमन की है, तो हम दोनों को ठुकरा दिया गया, ये भी कोई काम नहीं करता था उस टाइम, ये कोई काम नहीं करता था, उसके बाद घर वाला हम लोग को अलग कर दिया, दिख नहीं रहा दिक्कत, घर वाला अलग कर दिया, तो हम लोग के पास पैसा नहीं था, मजबूरी में हम लोग को लुधियाना जाना पड़ गया, लुधियाना चल दिया, हाँ ये बोला चल, हाँ वहाँ जो गए तो वहाँ इसको 8,000 रुपया महीना देता था, हम रूम पे शादी करने के बाद गए थे नहीं पहले, नहीं शादी करने के बाद गए थे, लुधियाना चले, हाँ तो इसको 8,000 महीना देता था, तो 5,000 तो खाना पीना में बचा क्या, कुछ नहीं बचता था, तो फिर ऐसा हुआ 2-3 महीना तो रहे वहाँ पे, फिर मेरा पापा अचानक डेट कर गया, तो हम गाना पड़ गया, आए घर आए तो मेरा घर वाला अलग कर दिया गया, कुछ भी नहीं। दोस्तों देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, और ऐसे में हम लोग अभी बनमनखी में हैं, और बनमनखी में आपको एक ऐसे प्रेमी जोड़े से मिलाने जा रहे हैं जो खुद से अपने बल पर अपने मेहनत के बल पर आत्मनिर्भर हो गया, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बनमनखी में है, और एक आपको यहाँ पर देखिए बड़ा सा ये जो होर्डिंग बैनर लगा हुआ है प्रेमी चाय वाला लिखा है, ऊपर सूरज जी लिखा हुआ है, आपका ध्यान किधर है, प्रेमी चाय वाला का दुकान इधर है, मोहब्बत में लाखों गम हो फिर भी जीना पड़ेगा, आए हो बनमनखी घूमने तो प्रेमी चाय वाला का चाय पीना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डाला हुआ है नीचे में, देखिए कि प्रेमी जोड़ों के लिए खास बात क्या है कि आई लव बनमनखी दिखाया हुआ है, और इधर लिखा हुआ प्रेमी जोड़ों के लिए 10 रुपये की चाय, प्यार में धोखा खाए लोगों के लिए 15 रुपये की चाय, तो बड़ा अनोखा चीज़ है कि भाई जिन जो प्रेमी जोड़ा है वो आएंगे तो उनको 10 रुपये में चाय मिल जाएगा, और जो धोखा खाकर इस दुकान पर आएंगे उनको 15 रुपये यानी महंगा पड़ जाएगा। खैर बहरहाल, लेकिन हम ये दिखा रहे हैं कि कैसे लोग अब धीरे धीरे स्टार्टअप इंडिया के तहत लोग भारत में कैसे लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं और मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो हम दिखाने आपको आए हुए हैं, और बनमनखी में इधर आप देख सकते हैं ये छोटा सा चाय का दुकान है और कई सारा चीज़ यहाँ पर मिलता है, और ये दोनों हालांकि मुझे तो लग रहा है कि पति पत्नी ही होंगे, और ये दोनों मिलकर चाय बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर खुद से आत्मनिर्भर है। अंदर आ जाएं भैया, चलिए हम लोग अंदर आएंगे और जानने का हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये लोग इस जर्नी को स्टार्ट किया, कैसे ये प्रेमी चाय वाला बन गया। आप ही का दुकान है जी? दुकान आपका है? हाँ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी, क्या कहानी है आपका ये जो बैनर लगा हुआ है प्रेमी चाय वाला, क्या है इसके पीछे राज, क्या है इसके पीछे? तो राज बहुत है। क्या राज है? ये राज है कि हम दोनों जो है लव मैरिज, थोड़ा सा आ जाइए ना, दिख नहीं रहा, हम दोनों लव मैरिज शादी किए हैं। अच्छा, इसमें तो बहुत बड़ा राज है, धीरे धीरे बता देते हैं।
लव मैरिज शादी की है। तो कुछ दिन तो हम दोनों बात कर रहे थे ऐसे मिले जुले, तो इसका मौसी का घर का, इसका मौसी का घर था मेरे घर के बगल में, वहाँ पे उसकी बेटी मेरा ऐसे सेटिंग करवा दिया। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम तो हम इससे बात नहीं करते थे, हम ज्यादातर पढ़ाई पे अपना ध्यान देते थे, बात करने पे ध्यान नहीं देते थे। अच्छा। फिर भी ये हमको मजबूर कर दिया बात करने पे, मजबूर कर दिया, तो हम इससे थोड़ा मोड़ा बात करने लगे। थोड़ा बात करते करते हम दोनों में बढ़ गया बात करना, बढ़िया धीरे धीरे बात करते करते बहुत आगे तक निकल गए। तो ये चले गया बाहर, हम अपना घर में मम्मी पापा के पास रहते थे। अच्छा। तो धीरे धीरे ऐसे प्यार बढ़ता गया, मैसेज से हो गया कॉल तक बात। फिर ये क्या बोला एक दिन अचानक, हम तुमसे शादी करेंगे। कौन बोला? ये बोला। अच्छा। हमको तो हम थोड़ा डर गए, तो डर गए तो हम तुरंत जवाब तो नहीं दिया। कुछ देर के बाद बोले ठीक है हम भी आपसे शादी करेंगे। हमको कुछ नहीं फूरा, हम यही बात बोले। अच्छा। तो ये बोला कि ठीक है जब तुम शादी करने के लिए तैयार हो तो हम भी तैयार है। तो बोले ठीक है हम भी कर लेंगे। जब हम दोनों का शादी करने का टाइम, इसका घर वाला क्या बोला जो ठीक है तुम दोनों का शादी करवा देंगे। अच्छा। मेरे भी मम्मी पापा बोले। लेकिन जब हम दोनों का शादी करने का टाइम आया, मेरा पापा डेट करने वाला था, उसका सपना था कि हम अपना बेटी का शादी देखे। तो जानवे करते लव मैरिज में ज्यादा तिलक नहीं मिलता है। इसका मम्मी पापा का कहना था नहीं 2 लाख रुपया तिलक लेंगे एक गाड़ी लेंगे। तो मेरा कहना था कि नहीं हम तिलक नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेरे पापा बीमार रहते हैं, उसको बहुत बड़ा बीमारी था। अच्छा। तो हम तिलक नहीं दे पाएंगे। तो इसका मम्मी पापा बोला कि तब ठीक है शादी नहीं करेंगे। बाद में ये भी मुकर गया, ये भी बाद में पहले बोला कि नहीं हम तिलक नहीं लेंगे। जब इसका मम्मी पापा बोला कि नहीं तिलक लेंगे, तो ये भी क्या बोला कि तुम्हारा मम्मी पापा 2 लाख रुपया तिलक एक गाड़ी देगा तब शादी करेंगे। तो कुछ दिन तो हम दोनों 2 दिन तक बात नहीं किए। फिर ये रात में कॉल किया हमको, बोला चलो भाग जाते। बोले नहीं हम भागेंगे नहीं, हम नहीं भागेंगे, फैमिली मेरा इज्जत का सवाल है ना, मेरा माँ बाप का मुड़ी तोड़ चल जाएगा। आपके जो लवर बोलिए उनको वो बोले, हाँ ये बोले कि हमको चलो भाग जाते कहीं। हम बोले नहीं हम नहीं भागेंगे, शादी करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं हम भागेंगे नहीं। तो ये बोला ठीक है मम्मी पापा को राजी करो। तो हम अपना मेरे मम्मी पापा तो पहले से राजी थे। अच्छा। तो फिर मेरे मम्मी आके धीमा मी से शादी करवाई, कुछ टका तभी दिया इसको, लेकिन इसका घर वाला राजी नहीं था। तो हम लोग चले गए जानकी नगर, कुछ दिन वहाँ पे रहे। तो घर वाला हमको बुलाया, तो घर आए तो घर पे जानबे करते जो लव मैरिज शादी करके आता तो घर में इज्जत नहीं करता उसका, या तो उसको ठुकरा देता, जैसे एक हम भी थे उसमें से हमको ठुकरा दिया गया था उस टाइम। ये भी कोई काम धाम नहीं करने वाले हैं एक गांव से। हाँ तो नहीं नहीं मेरा तो घर बोटिया दमगरा है। अच्छा। इसका घर बनवन की है। अच्छा। तो हम दोनों को ठुकरा दिया गया, ये भी कोई काम नहीं करता था उस टाइम, ये कोई काम नहीं करता था। अच्छा। उसके बाद घर वाला हम लोग को अलग कर दिया, तो ये ना, दिख नहीं रहा, दिक्कत हो रहा। घर वाला अलग कर दिया, तो हम लोग के पास पैसा नहीं था, मजबूरी में हम लोग को लुधियाना जाना पड़ गया। लुधियाना चल दिए। हाँ ये बोला चल। हाँ वहाँ जो गए तो वहाँ इसको 8,000 रुपया महीना देता था। हम रूम पे करने के बाद गए थे पहले? नहीं शादी करने के बाद गए थे लुधियाना चले। हाँ तो इसको 8,000 महीना देता था, तो 5,000 तो खाना पीना में बचा, क्या कुछ नहीं बचता था। तो फिर ऐसा हुआ 2-3 महीना तो रहे वहाँ पे, फिर मेरा पापा अचानक डेट कर गया, तो हमको आना पड़ गया। आए घर आए तो मेरा घर वाला अलग कर दिया गया, कुछ भी नहीं देता था, पूरा अलग कर दिया। अच्छा। तो ये दूसरा का दुकान में काम करता था। अच्छा। दूसरा के दुकान में हम इसको बोले कि काम कीजिए तभी तो कुछ पैसा होगा। तो ये दूसरा के दुकान में काम करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा बारिश हो रहा था, 11 बजे लमसम 11 बज गया था, रात बारिश हो रहा था। हम अपना मम्मी पापा को बोले कि जाइए उसको ढूंढ के लाइए, कहाँ इतना लेट से। तो मम्मी पापा का ये जवाब मिला कि नहीं हम उसको ढूंढने नहीं जाएंगे, हम अकेले इसको ढूंढने के लिए निकले, मेरा घर दुर्गास्थान रोड में है। अच्छा, अकेले निकल गए? हाँ अकेले जब इसको ढूंढने निकले तो हमको कुछ पैसा रास्ता में मिला। अच्छा। दुर्गास्थान रोड में कुछ पैसा मिला, रास्ते में पैसा मिल गया। हाँ 40-50 हज़ार था, पन्नी में बांधा हुआ था। अच्छा। तो उस टाइम हमको उतना दिमाग नहीं था, नहीं उतना बुद्धि था, तो हम पैसा ले लिए दुपट्टा तोड़ में, बस अपना घर रिटर्न चले गए। अच्छा। उसके बाद मेरी मम्मी को नहीं देखा गया। वहीं से आपका किस्मत बदला क्या? एक सोचिए वो तो भगवान दिया था किस्मत बदलने के लिए। आगे बढ़ो। हाँ आगे बढ़ो, क्योंकि बहुत जीवन में ठोकर खाए थे। फिर मेरी मम्मी 1 लाख रुपया दी, उससे 1.5 लाख रुपया हुआ, तो उससे हम ये दुकान ओपनिंग की है। दुकान ओपनिंग किए तो कुछ दिन, तो फिर घर वाला नाराज रहा कि कन्या को दुकान पे नहीं रख रहे, क्योंकि बोलता था कन्या भाग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो होता है घर वाला के मन में वो तो सोच पे डिपेंड करता है ना। तो फिर ये बोला नहीं हम उसको दुकान पे रखेंगे। फिर तो हम दुकान पे रहने लगे। कुछ दिन ऐसे चलते चलते रहा, तो पहले तो मेरा पोस्टर जनरल स्टोर का नाम से चलता था, उतना खास तो नहीं ये, चलता ये था। आपको आइडिया कहाँ से आया कि अब जो है आप शादी तो कर लिए, अब कर देते हैं प्रेमी चाय वाला, ये आइडिया कैसे दोनों के अंदर आ गया? आप ये आइडिया तो 2024 को 1 तारीख को आया था। यही बोला कि नहीं जब हम दोनों लोग मेरे शादी किए ना, तो एक पोस्टर बनाते हैं प्रेमी चाय वाला के नाम से। तो हम बोले नहीं वो पोस्टर मत बनाइए, मतलब फैमिली आदमी क्या बोलेगा, क्या सोचेगा मन में। ये बोला नहीं तुम्हारा भी फोटो देंगे। बोले नहीं मेरा फोटो नहीं। लड़ाई झगड़ा तो हुआ होगा? बता बदनी तो दोनों में हुआ काफी ज्यादा। फिर भी अपना मन से पोस्टर छपवा के लाया, पहले तो छोटा सा पोस्टर छपवा के लाया था, उससे थोड़ा थोड़ा मेरा दुकान आगे बढ़ने लगा। तो फिर हम भी हाँ भर दिए कि बड़ा सा आप लगा दिए। हाँ फिर बड़ा सा लगा दिया, उस दिन से तो किस्मत बदल गया। कैसा कैसा लोगों का, आपके आसपास के लोगों का क्या कहना होता है इस तरह का पोस्टर देखता है? तो कुछ दिक्कत भी होती है आप लोगों को? नहीं हमको तो कोई दिक्कत नहीं होता तो है। कोई करता है बहुत, बोलने का तो बहुत कुछ बोलता है पर उतना ध्यान नहीं देते। अच्छा, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है?
हमको कुछ ना, हम तो ये सोचते कि हमको जिससे पेट भरता है हमको गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो हम दुकान अच्छा चल रहा है। हाँ, मेरा दुकान कितना कमा लेते हैं दुकान, ये तो मालूम हमको नहीं है। अच्छा ठीक है, चाय का ही धंधा मतलब अमूमन देखा गया है लोग की शादी ब्याह किया तो चाय का दुकान कर लेता है, लोग चाय को प्रोफेशनली बिजनेस कर रहे हैं, इसके बारे में पता है लोग आखिर क्यों चाय का बिजनेस ही क्यों करना शुरू कर दिए? नहीं ऐसा नहीं है कि हम चाय का मेरा सास ससुर पहले से करते थे, पहले छोटा सा दुकान था तो हम लोग सोचे उसी को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा। वो भी दुकान करने नहीं देता था, हम लोग जीत के किए। अच्छा। आज तो अच्छा आगे बढ़ा था, आज तो फैमिली का भी सपोर्ट पूरा है। अच्छा। पहले नहीं था, नया। अच्छा। नहीं था। कितना कमाई हो जाता है अभी? तो मान के चलिए जितना कमा ले तो परिवार खुश रहता है मेरा। प्रेमी जोड़ा जो लोग अभी भी मान लीजिए प्रेम कर रहे हैं, अब भविष्य में वो लोग भी हो सकता है आप ही की तरह शादी कर ले, उन लोगों को कुछ कहेंगे आप? ये कहेंगे कि जब भी शादी कीजिएगा दिल देख के कीजिएगा, ना पैसा ना धन, ये देख के शादी नहीं हो। तो सब आपके जैसा किस्मत सबका थोड़ी है कि 50,000 मिल जाएगा रास्ते में। ये नहीं है, घर वाला का भी तो सपोर्ट रहेगा। देखिए अगर सच्चा प्यार रहेगा ना तो आगे आप जरूर बढ़ जाइएगा। अच्छा। कितनों दिक्कत में रहिएगा, हम भी बहुत दिक्कत में थे। अच्छा। लेकिन आगे बढ़े ना, कोशिश कभी नहीं हारना चाहिए, कोशिश करते जाइए कब तक जाइए। अभी आपको घर से पूरा सपोर्ट दोनों तरफ से मिल रहा है, ससुराल वाले से मायके से? अभी तो पूरा सपोर्ट करता है दोनों तरफ से, मम्मी पापा का तो सपोर्ट पहले से था, बस मेरे सास ससुर को थोड़ा दिक्कत था, लेकिन अब किसी को नहीं। पढ़ी लिखी हैं आप? हाँ। कितना पढ़ी लिखी हैं? हम तो मैट्रिक तक किए हैं। मैट्रिक की आगे की पढ़ाई आपकी? आगे की पढ़ाई तो अभी नहीं, इंटर में नाम लिखा है। इंटर में। अच्छा हम एक चीज कहे कि मोदी जी मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, वैसे में आप खुद से आत्मनिर्भर हो गए, तो खास करके जो युवा है युवतियां हैं लड़के लड़कियां वीडियो को देख रहे हैं वो कैसे आत्मनिर्भर हो सकता है, कुछ बता पाएंगे क्या करना चाहिए, मेहनत कैसे करना चाहिए? कभी भी किसी से भी प्यार करें तो सच्चा करना चाहिए, ये नहीं कि हम एक से प्यार कर रहे हैं तो दूसरा पे भी लगल रहे, ऐसा नहीं होता। अगर आप एक पे ही निर्भर रहिएगा, एक से ही बात कीजिएगा तो किस्मत जरूर बदल जाएगा। हम मेहनत की बात करें, कैसे आप भी संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे सबको ऐसे जैसे आप 10th क्लास पढ़ी लिखी हैं और आपको अभी सैकड़ों हजारों लाखों के लोग में लोग देखेंगे, उन लोगों को कुछ कहेंगे भाई तुम भी अच्छे से मेहनत करो, आप भी अच्छे से मेहनत करिए, पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, या फिर चाय का दुकान ही करिए, क्या कहेंगे? नहीं नहीं ऐसा थोड़े ना, सबका किस्मत ये थोड़े ना होता है कि हम चाय का दुकान करें। सो आगे पढ़े लिखेगा तो आदमी को नौकरी भी होता है, कोई और बिजनेस करता है। मेरा कोई ये बिजनेस मेरा पापा मम्मी का था तो इसलिए हम लोग वही चालू कर दिए, वैसे मेरे सास ससुर करता था। मोदी जी को सपोर्ट करते हैं? हाँ पूरा करते हैं। सही सही बताइए ना, पूरा करते हैं हम। हाँ अच्छा, मोदी जी भी तो चाय बेचते थे? हाँ तो मोदी जी भी तो, हाँ बचपन में सुनते थे। सुनते थे, लोगों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, बनना चाहिए, अपने पैर पर अपने बलबूते खड़ा होना चाहिए, कभी भी ना सास ससुर ना अपना हस्बैंड पे कभी भी भार नहीं बन के रहना चाहिए, खुद का घर खुद का कमाई रहना चाहिए आदमी को। हम किसी पे भार बन के नहीं रहते हैं, हम खुद काम करते हैं 24 घंटा, हम भी 24 घंटा वो भी। कभी हमको ये कोई ना बोल दे कि मेरा कमाई खाती, ये सुनने वाला काम नहीं करते हैं। और ये सुनने वाला किसी को काम आजकल नहीं करना चाहिए। MBA चाय वाला ग्रेजुएट चाय वाली का नाम सुने हैं अपना देश में है? हाँ वो तो बनमनखी के ही है एक। कौन? ग्रेजुएट चाय वाली? हाँ, पटना में जो है। उनसे कभी इंस्पायर हुए हैं? नहीं हम तो नहीं, हम वीडियो देखे, नहीं वीडियो देखे, हाँ वीडियो तो देखे, बहुत देखे है। क्या लगता है कुछ ब्रांडिंग हो पाएगा ये प्रेमी चाय वाला के नाम से, जैसे कि ग्रेजुएट चाय वाली का अब जगह जगह स्टॉल खुल रहा है, आउटलेट खुल रहा है, MBA चाय वाला का स्टॉल आउटलेट दुकान खुल रहा है जगह जगह, इसके नाम से भविष्य में हो सकता है कि भाई आपका भी फ्रेंचाइजी बिके, प्रेमी चाय वाला का एक दुकान दूसरा आदमी खोले? अगर किस्मत साथ दिया और भगवान साथ दिया जरूर होगा, जब हम दोनों साथ रहेंगे तो आगे जरूर बढ़ेंगे। तो चलिए, ये हमारे साथ मुस्कान थी जो कि बनमनखी में इनका दुकान है, ये इनके पति हैं, अब इनके पति हो गए, पहले इनका प्रेमी हुआ करता था लेकिन अचानक से इन लोगों का किस्मत बदला, 50,000 रुपये हाथ लगा और ये लोग दुकान किया, अब धीरे धीरे अपने पैर पर खड़ा है। 2 मिनट उनसे बात करेंगे। चाय बना रहे भैया? जी बोलिए। मजा इधर आइए ना, थोड़ा सा चाय जल जाएगा? नहीं, देख ध्यान भी रखिएगा उधर, ठीक है? कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो जब से ये मुस्कान आई है मेरे साथ तो तब से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरा किस्मत ही बदल गया। पहले तो ऐसे रोड पे घूमते फिरते थे लेकिन ये जब से मेरे साथ आई तो हम बहुत अच्छा से हम दोनों रहते हैं। ये बात जो बोल रहे हैं कि मेरा किस्मत बदल गया, आदमी का किस्मत ही खराब हो जाता है प्यार मोहब्बत? नहीं नहीं, हम लोगों का कभी नहीं हुआ है, नहीं होगा जिंदगी भर ऐसे। ज्यादातर तो ब्रेकअप ही हो जाता है, प्यार किया 1 साल 2 साल में ब्रेकअप नहीं हुआ, वो दिल से करेगा तो ब्रेकअप नहीं होगा, अगर दिल से नहीं करेगा तो फिर ब्रेकअप हो सकता है, इसका तो गारंटी है। अभी अक्सर जो है ब्रेकअप ही होता है। अच्छा, पढ़े लिखे हैं आप? हाँ, मेरा 12th फाइनल है। 12th, आपकी पढ़ाई अभी चालू है? नहीं, अब तो फिलहाल पढ़ाई नहीं करते हैं, अब बस अपना दुकान चलाते हैं। देश के प्रधानमंत्री को जानते हैं? हाँ। कौन है? नरेंद्र मोदी है। अच्छा, मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर की बात मोदी जी करते हैं, क्या उस तरफ आपको लग रहा है कि आप वाकई में उनके तरफ जा रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। तो आप आत्मनिर्भर हो गए जी, क्या कहेंगे युवाओं को, कुछ मैसेज रहेगा? दुकान तो बहुत सारा चाय का खुलता है लेकिन भविष्य की बात करते हैं, युवाओं को एक नया मैसेज मिले और भविष्य में आप क्या करेंगे उस मुद्दे पे ही बात करेंगे। कुछ युवाओं को मैसेज रहेगा भाई कि पढ़ो लिखो या चाय बेचो या कुछ और करो, क्या करना चाहिए? वो तो उनके
वो तो उनके जो है पढ़ाई लिखाई पे निर्भर करता है, ऐसा नहीं कि सब दुकान ही खोले, कोई जॉब के लिए भी जॉब का सपना होता है किसी किसी का, लेकिन हम लोग तो हम लोग का सपना यही था कि हम लोग एक अपना खुद का दुकान खोले और हम दोनों एक साथ रहें। हम लोग सब दिन से ये सोचे हैं कि जहाँ भी रहेंगे तो दोनों एक साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं रहेंगे। अच्छा, फ्रेंचाइजी का नाम सुने हैं? हाँ, फ्रेंचाइजी का नाम सुने होंगे, जो MBA ग्रेजुएट चाय वाले का आउटलेट आपको नया नया दिखता होगा। क्या भविष्य में प्रेमी चाय वाला का नया आउटलेट, नया फ्रेंचाइजी, एक बड़ा बिजनेस पूरा जिले की बात कर देश भर में हो सकता है? हो सकता है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद रहे और जितने भी दर्शक लोग हैं सबका प्यार आशीर्वाद रहे तो एक ना एक दिन जरूर आगे जाएंगे। जिस तरह भी सब लोग मिलके प्यार मुझे दे रहे, अगर इसी तरह जिंदगी भर देते रहे तो जरूर एक ना एक दिन जो है कि मेरा भी फ्रेंचाइजी निकलेगा। अच्छा, क्यों आपका चाय को क्यों लोग पिएगा, कुछ खास है चाय में? हाँ, कुछ खास है, वो तो हम नहीं बता सकते, कस्टमर लोग जो हमारे पीते हैं वही बता सकते हैं। हम तो खराब को भी अच्छा बोल सकते हैं, हम ये नहीं बोलेंगे मेरा चाय सही है, वो कस्टमर बताएगा। चलिए, उधर कुछ कस्टमर है, दो चार लोग हैं और ये हम लोग बनमनखी में हैं और थोड़ा सफर करिए। इधर देखिए, दो चार पांच लोग बैठे हैं चाय पीने। हम मिस्त्रियों का कोई खोज नहीं। चाचा, चाय पीने? हाँ, चाय पीने आए हैं, प्रेमी चाय वाले की। प्रेमी चाय? हाँ, गदी तो चाय में प्रेम बरसेगा। हाँ, बरसेगा, पता लगेगा, स्वादिष्ट होता है। हाँ, चाय इनसे पूछिए मोनू का। भैया, चाय तो मिला जुला के टेके बना में चाहिए साहब। हाँ, चाय में तो कोई कमी नहीं है। अच्छा, यह बात है, बढ़िया चाय, चाय बढ़िया, प्रेमी चाय वाले। चाय का नाम है प्रेमी चाय। अच्छा, चाय में स्वाद स्वाद है? जी, स्वाद है। अच्छा, जब इधर भीड़ लगा चल रहे थे कस्टमर सबके यहाँ पर चाय वाय की दुकान पे, सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक चाय मिले थे यहाँ पर। अच्छा, चाय के सो एनी टाइम भीड़ रहते रहते यहाँ पर। ये दूध वाला जो दूध देता है उधर मिलिए उनसे, उधर दूध वाला, डुप्लीकेट दूध वाला, डुप्लीकेट दूध के ओरिजिनल नहीं ओरिजिनल देखिए भैया, ब्रेकिंग न्यूज है, प्रेमी चाय वाला को दूध जो है ना यही देते हैं, आप ही देते हैं दूध? हाँ, दे रही है। चाय गड़बड़ हुआ तो इसी पे आ रहे हो? नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं। क्या कहेंगे आप, कितना का दूध रोजाना आप दे देते हैं इनको? ये तो दूध 12 किलो 13 किलो भी बेचे रहे, 15 किलो तक ले रहे दूध। अच्छा, अब अभी रस आशीर्वाद पर भी कहे छे हमरा ठीक लागे छे, आशीर्वाद दूध चलाबे छे हमरा। कलकत्ता चाचा तो रुकवा कहलिए ठीके छे, हम रुक गेल छियो ता आशीर्वादे के देखी। अच्छा, इधर एक भैया है, भैया क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार। अभी गर्मी पड़ रही है जी, गर्मी तो। भाई राकेश, किस तरह से आप देखते हैं कि धीरे धीरे, हालांकि चाय का दुकान तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, वैसे में एक व्यक्ति अपने पैर पे खड़ा हो गया आज के समय में, रोजगार देखते हैं कितना टफ है, तो इन लोगों के लिए किस तरह से आप देखिए? ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, अगर एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से ये लोग इतने छोटे उम्र में मेहनत कर रहे हैं, तो भगवान करे कि ये लोग जितना मेहनत करते हैं ये लोग कामयाब भी हो। सवाल चाय बेचने का नहीं, सवाल लेके अपने पैर पे खड़ा हो जाना और इतने छोटे से उम्र में स्टेबल कर जाना और अपने पाँव पे खड़े होना, और दोनों पति पत्नी खुद मेहनत करती हैं और बहुत अच्छा है कि अपने पाँव पे स्टेबल है ये लोग और अच्छे से राइज करें। और इन लोगों का अपना जो आइडिया था कि नहीं अपना खुद का सेल्फ बिजनेस करें, तो ये तो और भी अच्छी बात है कि अपना सेल्फ बिजनेस ये लोग कर रहे हैं और ये लोग और भी राइज करें। पढ़े लिखे सर आप? जी, पढ़े लिखे। कितना पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट हैं सर, कुछ युवाओं को कहेंगे जो अपने पैर पे खड़े हो जाए, जो लोग आज भी सरकारी नौकरी के भरोसे खड़े रहते हैं या फिर कोई स्किल पे? उन युवाओं से मेरा कहना है कि जो सरकारी नौकरी के भरोसे या मान लीजिए कि जो गलत धंधे में उतर गए हैं, उन युवाओं से मेरा कहना है कि गलत तो गलत ही होता है, बिल्कुल, अगर सही ढंग से 2 रुपए कम ही कमाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, और सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे रहना या पिताजी के पैसे को खर्च करना उससे ज़्यादा अच्छा है कि 2 रुपए अगर कम की, 2 रुपए कम का अगर अपना बिजनेस कर लिया जाए तो उससे वो राइज कर सकते हैं। ये माता पिता के भरोसे बैठे रहना या सरकार के भरोसे बैठे रहना तो ये गलत है, या मान लीजिए कि भगवान के भरोसे, तो नहीं, भगवान कुछ नहीं करते हैं, करना पड़ता है, खुद अगर खुद से करना पड़ता है, खुद अगर कर्म करें तो राइज हो सकते हैं। चलिए, इधर भी एक भैया है, क्या नाम भैया? मेरा नाम सुमन राज है। पढ़े लिखे सुमन भाई? पढ़े लिखे हैं। मैं मुथूट माइक्रो फाइनेंस में मैं जॉब करता हूं। आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करें तो किस तरह से आप लोग देखते हैं, कैसे लोगों को आत्मनिर्भर, क्या वाकई में बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए, अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। अपना देखिए, खुद का बिजनेस हो, छोटा हो, बड़ा हो, चाहे 1 रुपया का धंधा हो या 2 रुपया का धंधा, अपना बिजनेस बिजनेस होता है। किसी के हाथ के नीचे काम करने से अच्छा है कि कोई अपना बिजनेस कर ले, जैसे ये प्रेमी चाय वाला है, हम मुथूट माइक्रो फाइनेंस में जॉब करते हैं, फील्ड स्टाफ है, हमको जब भी टाइम मिलता है, जब भी हम फील्ड से आते हैं, हम जब भी मतलब हमको टाइम मिलता है, तो यहाँ का एक चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा, चाय के साथ साथ यहाँ का लस्सी हमको बहुत अच्छा लगा। हम जब भी अपने ऑफिस आते हैं अपने स्टाफ को बोलते हैं, अपने सब मतलब BM सर को भी बोलते हैं, यहाँ तक लेकर आते हैं, चलिए सर लस्सी पिकाते हैं। हम जब से इधर बनमनखी ज्वाइन किया, मेरा घर भदीकला हुआ, थाना पदरगढ़ पड़ता है, जिला सहरसा। चलिए, बाकी हम लोग ये बनमनखी में दिखा रहे थे, प्रेमी चाय वाले को दिखा रहे थे, और शाहरुख खान का आप लोगों को एक डायलॉग याद होगा कि कोई भी धंधा
कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधा धंधा ही होता है, फिर चाहे वो 2 रुपए का हो 10 रुपए का हो। और सबसे खास बात यह है कि युवाओं को खास करके बिहार में पूरे देश भर में देखा गया है कि वो लोग आत्मनिर्भर होना नहीं चाहते हैं, सरकार के भरोसे बैठे रहते हैं, माँ बाप के भरोसे बैठे रहते हैं। वैसे में कहीं ना कहीं ये चाय वाला जो दुकान है, ये दोनों व्यक्ति पति पत्नी उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत है और इनसे इंस्पायर होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में एक 20-22 साल की उम्र में 20,000-25,000 रुपये कमाना और साथ ही साथ स्टडी करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है।